바가토카로 하마라. हे फ्रेंड्स, तो वैसे तो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो एक लेकर आई हूँ। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग खाली बैठे होंगे घरों में, तो क्यों ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ही बना दी जाए जिससे आप लोग देख सके और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सके और कुछ सीख भी सके। क्योंकि आई नो कि थोड़ा बोर हो रहे होंगे और किताबें उठा के तो आप लोगों ने देखी नहीं होंगी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिसमें कि आप कुछ सीख भी सकें। तो ऐसे ही मैंने कुछ इंग्लिश की वीडियोज़ बनाई हैं आप लोग के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सके। मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके ऐसी वीडियो लाऊंगी जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि फ्रेजेस हो गए, ईडियम्स हो गए या कंजक्शंस हो गए, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, या न्यू सेंटेंस जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसे जोड़कर आप अच्छी से इंग्लिश बोल सकें। तो वो सेंटेंस बट आपको अपने यूज़ करने पड़ेंगे बोलने में। स्टार्टिंग में तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो सेंटेंस देने वाली हूँ जैसे कि कुछ फिल्मी डायलॉग्स हो गए जिन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से डायलॉग्स होते हैं जिन्हें अच्छा लगेगा आपको इंग्लिश में बोलते हुए भी, तो वो डायलॉग्स में दूंगी। बट कुछ वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं या हमारी लाइफ में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हमें इंग्लिश कभी पता ही नहीं चलती कि इसकी भी कुछ इंग्लिश होगी, ऐसे कुछ वर्ड्स, या फिर मैंने कुछ ऐसे रूट्स वर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट छोटी छोटी चीज़ें करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। क्योंकि घर में खाली बैठे से अच्छा है कि कुछ सीख भी लें। आखिर पूरे दिन में आप टीवी देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, बैठना तो 21 दिन घर पे ही है। उससे अच्छा ही होगा कि आप उस पूरे दिन में कोई एक ऐसा टाइम दे सकें जिसमें कुछ सीखें। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सीरियसली इस कोरोना वायरस ने हमें ये बताया है कि बहुत से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रिसेंटली एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, तो वो अभी तैयारी कर रहा था जॉब की और वो बिहार से था, तो वो यहाँ पे फंस गया था। मतलब उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो चले गए थे, बट वो यहाँ फंस गया और उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके या खाने पीने की चीज़ें ले सके। तो उसका मैसेज आया था कि मैं किस तरह से अपनी सर्वाइव करूँ। उस टाइम पे हमें लगा कि हमें भी कुछ लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सके और हम उसकी प्रॉब्लम्स को फुलफिल करने की जरूर कोशिश करेंगे। और ये वीडियोस, वैसे तो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था इन वीडियोस का कि हाँ मैं बनाकर कुछ मुझे अचीव होगा या फिर कोई बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट के लिए नहीं था। बट ये स्टूडेंट्स के थ्रू ही बनाया गया था मेरा चैनल, टीचर्स डे पे बनाया गया था। मैं चाहती हूँ कि अब ये चैनल सब्सक्राइब इतना ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो, क्योंकि इससे जितनी भी मनी आएगी वो सभी मैं स्टूडेंट्स के लिए लगाऊंगी। ये मैंने अब सोचा बैठकर, मतलब जब इतने प्रॉब्लम्स हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए जिससे कि हम ऑलमोस्ट जितनों की प्रॉब्लम्स कम कर सके उतनी हो सके। और दूसरी चीज़, ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। ये नहीं कि कोई इस क्लास के या इस एज के लोग ही देख सकते हैं, इसे पर्टिकुलर हर एज का इंसान देख सकता है इस इंग्लिश को, क्योंकि वो इसमें से अगर से सुन ही लेगा तो भी बहुत सी चीज़ें सीख जाएगा, चाहे फिर वो वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, कंजक्शंस हो, ईडियम्स हो, या फिर कोई भी चीज़ें हों, वो आप इजीली सीख पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं ध्यान से देखें और उन्हें डेली लाइफ में अपने दिन में बोल जरूर लें जिससे कि आपके फैमिली मेंबर्स भी उसे सुनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ध्यान से इससे अब सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं ज़रूर करता हूँ। आई ऑलवेज डू वॉट आई से एंड यस आई डेफिनेटली डू वॉट आई डोंट से। सो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस सेंटेंस को हम लोग अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए ज़रूर बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सेंटेंस, और इस सेंटेंस में एटीट्यूड देखेगा तो ध्यान से इसे सभी के सामने बोलने की भी कोशिश करें। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। सन ओनली पिक्स कम इन अ ग्रुप, लायंस कम अलोन। कैसा लगा सेंटेंस? इस सेंटेंस को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और ऑलमोस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। इन हिज हाउस अ डॉग ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ लायन।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस. तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना. सो सेंटेंस, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना. डू मी अ फेवर, डोंट डू मी एनी फेवर. तो आप लोग ध्यान से जो बोलें अपने साथ साथ, जिससे कि आप लोग उसे सीख सकें. नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. हाउ वुड यू नो द प्राइस ऑफ वन पिंच वर्मिलियन. मिस्टर रमेश, हाउ वुड यू नो द प्राइस ऑफ वन पिंच वर्मिलियन मिस्टर रमेश. तो ध्यान से एक बार सेंटेंस बोलो, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. तो कैसे लग रहे हैं इंग्लिश सीखने में? अभी आगे आगे देखो मैं कितनी अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ इंग्लिश की, जो आप सीखो भी और आपको एंटरटेनमेंट भी मिले. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ अ स्लैप, आई एम स्केयर्ड ऑफ लव. ठीक है, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है. बहुत भरोसा है अपने आप पर. भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा. भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत भी है, और पागलपन हद से ज्यादा. भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत भी है, और पागलपन हद से ज़्यादा. ये आपको मोटिवेट होने के लिए दिया गया है, क्योंकि हम में सब कुछ होता है बट फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते. आई डू हैव बिलीव, करेज, स्ट्रेंथ एंड क्रेजीनेस बियॉन्ड द लिमिट. और फोटो देखकर आपको ये सीख जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी फोटो लगी है उन पर सेंटेंस बहुत सूट करता है. पिक्चर अभी बाकी. तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और जिसके लिए आपको करना है इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वायरल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके. थैंक यू सो मच.